अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, 25 जुलाई को पाकिस्तान भर में जनरल इलेक्शन हुए, अब 14 अक्टूबर को यानी आने वाले एतवार के रोज ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। 25 जुलाई से पहले ही प्रोग्राम टॉप स्टोरी ने हस्ब रवायत तमाम कैंडिडेट से आपकी मुलाकात करवाई, इसी तरह ज़िमनी इलेक्शन में भी तमाम कैंडिडेट से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। आज NA 124 में हम मौजूद हैं। मेरे एन अकब में आप देख सकते हैं भाटी गेट है, इस जानिब दाता दरबार है, उसके आगे से मेट्रो बस का ट्रैक गुजर रहा है, यहाँ पर उर्दू बाजार है, शालम मार्केट है, दो कोरिया पुल है, और इस जानिब तमाम जो अंदरून शहर की खूबसूरती है आप देख सकते हैं। मतवस तबका, काम करने वाला तबका यहाँ से मुंसलिक है, मेहनत कश तबका यहाँ से मुंसलिक है, रोज लोग कमाते हैं और अपने घरों को जाते हैं। NA 124 की सबसे पहले आवाम क्या सोचती है, यहाँ पर NA 124 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुलाम मुहियुद्दीन दीवान साहब, जो कि आज़ाद कश्मीर के असम्बली के मेम्बर हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, वो कंटेस्ट कर रहे हैं। आइए जरा प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ के आवाम से बात करते हैं कि उनके इस हलके के मसाइल क्या हैं, इस मरतबा वो कौन सी पार्टी के ऊपर एतमाद करने वाले हैं। सबसे पहले बुजुर्गों से हम इफ्तिताह कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन, कैसी तैयारियाँ हैं, किसके ऊपर एतबार करना है? काम तो किया है, नून लीग ने बहुत किया है, तो अब ये हुकूमत आई है, गरीब आदमी बहुत तंग है इस वक्त। अच्छा, आप क्या कहेंगे? पीटीआई। क्यों? तब्दीली। क्या इस हलके के यहीं के रहने वाले हैं आप? जी। तो क्या यहाँ के मसाइल क्या हैं? वहाँ के मसाइल कोई भी नहीं है। यहाँ के मसाइल जो है ना, ये मियाँ शबाशी ने और मियाँ नवाशी ने और हमदा शबाज साहब ने मका दिए हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि पीटीआई को वोट देना है, इन्होंने अपने जो निके निके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो इन्होंने बेचने हैं, फरोख्त करने हैं, फिर इन्होंने जान छुड़वानी है। अच्छा। फिर इन्होंने कहना है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जिंदाबाद। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। अच्छा। मैं डिस्ट्रिक्ट नरवा का रहसी हूँ। अच्छा। और मैं फवाद चौधरी को ये पैगाम देता हूँ कि मैं नरवा से अपनी टीम के हमरा इधर शाह खान अब्बासी साहब के हल्के में आया हूँ, अगर आपके आप में जुर्त है तो वह हमारा मुकाबला करें। अच्छा। ये बकवास करनी बंद कर दें, सेनेट में तुम बोलते हो, बकवास करते हो, इतनी इतनी मोहब्बत है। अच्छा, आप क्या कहेंगे अंकल, आप भी यहाँ के रहने वाले? बेटा, मेरा तल्लक तहसील कोटली सतिया मरी से है। अच्छा। साहब का मरी तहसील कोटली सतिया से। शायद खाकान अब्बासी की अनताई शराफत की वजह से। अच्छा। उसके साथ हमारी बेतहाशा मोहब्बत है। अच्छा। अपने इलाके में जो उसके का काम है, उसकी वजह से हम इतना दूर से उसके इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने आए हुए हैं। अच्छा, क्या आप कहेंगे, ज़िमनी इंतखाब है, जनरल इलेक्शन में हमजा शहबाज ने भारी मार्जिन से NA 124 की सीट जीती, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हमजा साहब की जितनी लीड है ना, उससे ज्यादा की कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत कर रही है वो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और ज़िमनी इंतखाब में उन्हीं को फायदा होता है जो हुकूमत रूल कर रही होती है। वो चोर वोटों से आए, चोर दरवाजे से आए हैं, तो इक्तदार भी इंशाल्लाह ताला चोर दरवाजे से ही वो भागेंगे। मसाइल क्या है यहाँ के भाटी गेट के? मसाइल जो है आपके सामने, आपने अभी भी उन दोस्तों से सुना है कि मसाइल इंशाल्लाह ताला 1990 से यहाँ शहबाज शरीफ साहब जीतते आ रहे हैं। अच्छा। और 2008 से लेकर 2018 तक हमजा शहबाज शरीफ साहब यहाँ से एक मरतबा बिला मुकाबला हुए हैं, और 2018 में सिर्फ दो मरतबा हल्के में आए हैं। आप ये इस बात से आप अंदाजा लगा, हमजा शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन में सिर्फ एक जलसा किया लोहारी गेट में, तो बुरी बात है कि सिर्फ दो मर्तबा। ये मोहब्बत है वोटरों की, ना तो ज्यादा मर्तबा आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये वोटरों की मोहब्बत है, वोटरों का अपने इलाके के इज्तमाई कामों में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमजा शहबाज शरीफ साहब अवामी है, वो अवामी है, हमजा शहबाज अवामी है, शायद खाकान इंतहाई अवामी आदमी है। उस शख्स के अंदर एक बात है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, और जब भी बात, अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ी चीज उसमें रखी है, आजजी और वफादारी। अच्छा, एक एक करके मैं सबसे पूछूंगी, वोट किसका, आपने एक एक जुमले में एक एक लफ्ज में जवाब देने, वोट किसका, वोट किसका, किसको वोट डालेंगे? जिसको आप कहेंगे, हम जिसको कहेंगे, अपना भी तो व्यू होना चाहिए, किसका वोट? तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह। शेर, शेर इंशाल्लाह जी, शेर की है, शेर शेर
बड़ी बात है। शेर 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 मैं वोट देखो वोट तो किसी को दें, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो है ना तो हुक्मरान ईवानों के अंदर बैठे हुए ये दावे करते हैं और यहाँ बच्चे जो है वो रोडों के ऊपर भीख मांग रहे हैं। बिलावल जरदारी हो गया, इमरान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, यानी ये सिर्फ इनके मैच दावे हैं। और ये कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत को ये हो गया, जमहूरियत आमरू के दौर में इस मुल्क के अंदर जो काम हुआ वो इन जमहूरी लीडरों ने काम नहीं कराया। ये अवामी राय है जी, अवामी राय है ये। आगे चलते हैं जरा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारे साथ आ रहे हैं, हम और भी आवाम से हम बात करते हैं। वोट किसका जनाब? इंशाल्लाह शेर को। शेर शेर शेर। अच्छा, इधर से जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे कुछ उनसे पूछ लेते हैं। अंकल जी वोट किसको डालेंगे, किसका वोट? वोट नवाज शरीफ को। वोट किसको? शेर। वोट किसका? शेर का है। शेर का। शेर का। वोट किसका? पीटीआई का। वोट पीटीआई का। पीटीआई शेर मिक्स मिला जुला रुझान। आगे भी चलते हैं। तहरीके लबाई का यार। अच्छा शेर वोट किसका? तहरीके लबाई का। तहरीके लबाई। वोट बब्बर शेर। वोट किसका? हेलो क्या बोल रहे हैं आप? वोट किसका? वोट नवाज शरीफ का। वोट किसका? पीटीआई का। वोट किसका? नून लीग का ही है। चलें जी आगे चलते हैं, किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह ताला मियां हमजा शहबाज का इलाका है, अवामी वो अवामी लीडर है, अवाम में रहते हैं, अवाम से मोहब्बत करते हैं और दर्द रखते हैं अवाम के लिए। इंशाल्लाह शेर वोट का। चलें जी आगे से भी पूछते हैं, वोट किसका अंकल? वोट अल्लाह दे हुक्म ना तब्दीली दा। Okay. मेरा अल्लाह देगा इज्जत उन्हें। बच्चों कौन सी पार्टी अच्छी लगती है आपको? शेर शेर। अच्छा आगे चलते हैं, वोट किसको डाल रहे हैं? वोट नून लीग को। वोट किसको डाल रहे हैं? नून लीग को। अंकल वोट किसको डाल रहे हैं? नवाज शरीफ को। वोट किसको डाल रहे हैं? मैं प्रेसिडेंट हूँ इस मार्केट का। किसको डाल रहे हैं वोट आपकी मार्केट? हाँ शेर को जी, ये शेर का इलाका है, ये मियां हमजा शहबाज का इलाका है, मियां नवाज शरीफ का इलाका है, हमारा चेयरमैन परवेज हफीज पप्पा बड़ा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पहले भी बारीक सरिये से शेर जीतेगा और अल्लाह ताला के हुक्म से अब भी शेर ही जीते। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। वोट किसको डाल रहे हैं आप? शेर को। शेर। वोट किसको डाल रहे हैं? शेर को। शेर को। वोट किसका? बल्ले का। बल्ले का। शेर को। शेर के लिए मसले इस बार भी शेर ही जीतेगा इंशाल्लाह। किसका वोट अंकल? शेर बबर शेर दा वोट। शेर 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 इंशाल्लाह। शेर शेर इंशाल्लाह। अंकल जी, अंकल जी वोट किसका? वोट मेरा। हाँ किसको डालेंगे? अपने आप को। अपने आप को। क्यों ऐसा मायूस है? हाँ जी क्यों मायूस है? महंगाई बहुत है, क्या करें, गरीब आदमी है, स्टिक हाथ में है, कमाई है कोई नहीं, महंगाई रोज बढ़ती जा रही है, इस वजह से वोट अपने आप को डाल। ये भी एक ओपिनियन थी। क्या हुआ? वोट किसका आंटी? किसको वोट डालने? असि शेर नु दे रहे। क्यों? शेर नु डालने। आपको वोट पता हुआ है? ला लो। हाँ। आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है आपको? शेर 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 अच्छा लगता है आपको। चलें जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन भाटी गेट के अंदर की जिंदगी आपको दिखा रहे हैं, हर रंग है यहाँ पर जिंदगी का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे भी लोग हैं, वहाँ गोश्त की दुकानें हैं, यहाँ सब्जी की दुकानें हैं। जरा इनसे बात करते हैं कि इनके मसाइल क्या है। आवाम बहुत ज्यादा जो है वो महंगाई से परेशान है। तो सब्जी वाले यहाँ पर हैं, खवातीन यहाँ से सब्जी ले रही हैं, जरा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताए सब्जियों के जो कीमतें हैं वो महंगी हुई हैं? इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, कुछ नहीं। रोज का काम है ये, रोज का काम, इसमें रेट क्या चेंज होते रहते हैं। अच्छा वोट किसको देंगे? यहाँ मेरा वोट नहीं है। नहीं है वोट। वोट किसको देंगी? किसी को भी नहीं देना, जो आता है वही महंगाई करता है। अच्छा काम तो कोई भी नहीं करता। अगर नवाज शरीफ ने नहीं किया तो इमरान हाँ भी कोई अच्छा काम नहीं करा, वो भी महंगाई करी जा रहा है, गवर्नमेंट मुलाजमों की तनख्वाहें काटी जा रहा है, तो फिर किसको देना है? इससे बेहतर है किसी को भी ना दे। वोट किसको देंगी? अभी किसी को नहीं। आप किसको देंगी? हम शेर को देंगे। आप किसको देंगे? आपको कौन सी पार्टी पसंद है बच्चों? शेर। आपको कौन सी पार्टी पसंद? शेर। वोट किसको देंगे? शेर को। शेर को। वोट किसको देंगे? पीटीआई को। वोट किसको देंगे आंटी? शेर को। चले क्या मसाइल है भाटी गेट के? मसाइल क्या है भाटी गेट के? मसाइल ये हैं, इधर गंदगी बहुत है और पानी की कमी है और लाइट का मसला है, पानी का मसला है और तकरीबन। वोट किसको देंगे? शेर को दे। किसको वोट देंगे? शेर को। वोट किसको देना है? वोट है वैसे? नहीं। तो फिर दोगे कैसे? वैसे पसंद है। चल वोट किसको देंगे? शेर को। कौन सी पार्टी पसंद है बच्चों? शेर। अच्छा चले
वोट किसका? क्या वोट किसका? नून लीग का। नून लीग का, ठीक है। वोट किसका? शेर का। सब नून लीग वाले हैं यहाँ, सब नून लीग वाले। ये क्या वजह है? यहाँ पर उन्होंने काम बहुत करवाया जी, यहाँ पर वो किला इनका मजबूत है, ये यहाँ से नहीं हार सकते सारी जिंदगी। फालूदा है आपके पास? ये कस्टर्ड है हमारे पास। कस्टर्ड है आपके? चले फालूदे। वैसे फालूदे वालों के अकाउंट से करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए निकल रहे। नहीं नहीं, ये तो बस सारे ड्रामे है ना। चले माँ जी, कैसी हैं आप? बेटा ठीक हूँ। आपका वोट किसका? जिन्ना ने पहला होता ना हूं भी उन्होंने नवाज शेर। शेर मेरी अगर मैं उस दिन इन्होंने मिली सा, मेरा मकान बेटा 2 साल हो गए डिगाया है। वन सिटी वाले ने कहा सी असीं बनवावांगे, हुण ओह डिग पिया ते कहिंदे ने असीं बनवा के नहीं देना। मैं इस इमदाद वास्ते लगी फिरनी आ, मैं हुण भी उन्होंने अगे भी मिली सा, हुण नहीं मिल सकी। मेरी थी पगाम पहुंचा दे जहाँ ते मेरी इमदाद। हमजा, हमजा को आपने वोट डाला लास्ट टाइम, तो उनको नहीं मालूम आपके मसाइल क्या? उन्होंने सारा पता वे, सुनते नहीं। वो आंदे से उन्होंने इज्जत करने ना, वो साड़ी नहीं सुनते। चले ठीक है, आपका जो पैगाम है वो रिकॉर्ड हो चुका है, ये चलेगा, चलेगा आपका पैगाम, ठीक है। यहाँ पे आपको किन मुश्किलात का सामना है? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, क्या है निकासी आप ठीक नहीं है? पानी भी नहीं है, बिजली है, पानी भी नहीं है। अच्छा, वोट किसका? शेर का। शेर का वोट है, ठीक है, ठीक है। पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो पढ़े लिखे नहीं है तो इसका मतलब वोट भी नहीं डालेंगे? वोट तो मैं डालूंगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग नून? वो शेर है। वो शेर है, बाकी शेर को क्यों वोट दे रहे हैं? वो काम करवाते हैं यहाँ पे। अच्छा। इनको तो हमने जाना। क्या काम करवाया? काफी काम करवाए। जैसे? जैसे के सहूलतें काफी देते हैं यहाँ के लोग। जैसे सहूलतें क्या? जैसे हर चीज, पानी नहीं आ रहा तो 4-4 घंटे पानी नहीं आ रहा यहाँ पे। अच्छा। सुबह 4 घंटे और शाम को कह रहे हैं पानी की बचत कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन लोग ना वुजू कर सकते हैं, ना बाथरूम जा सकते हैं, बहुत परेशानी का सामना है यहाँ पे। तो बड़े मसले हैं ये, सबसे पहला मसला ही यही है पानी। कारोबार में क्या आया? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। पीटीआई की हुकूमत में ठीक है कारोबार? नहीं, इसमें नहीं, पहले ठीक था, अब नहीं, पहले ज्यादा अच्छा। बच्चों कौन सी पार्टी पसंद है? शेर। आपको? शेर। अच्छा, और भी लोगों से बात करते हैं। चलें जी, ये चरगे की दुकान है, हम चाचा जी से बात करते हैं जो चरगा बना रहे हैं। सलाम अलैकुम, क्या बना रहे हैं? चरगा। अच्छा, कौन सी पार्टी पसंद है आपको? हमारे को यही है, नवाज शरीफ। क्यों? अच्छा बंदा सी। तो यहाँ के मसाइल क्या है आपके इलाके के? गैस आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। हाँ बिल्कुल, हर चीज सही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बच्चों कौन सी पार्टी पसंद है? किसको वोट? बल्ला पसंद है। चले ठीक है। अंकल जी मसाइल क्या है यहाँ के? मसाइल यही है कि इन्होंने जो चोड़ बाजारी लगाई हुई है, इन्होंने ये जो पीटीआई के हैं। अच्छा। हम किसी के वोटर नहीं है, लेकिन मैं एक शेर जरूर कहूंगा कि मेरा मुल्क भी अजब मुल्क है, यहाँ डकैत शुरफा को चोर कहते हैं। वाह, मेरा मुल्क भी अजब मुल्क है, यहाँ डकैत शुरफा को चोर कहते हैं। ये अंकल ने एक शेर सुनाया और उन्होंने कहा यहाँ सारे चोर हैं। आगे चलते हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं। माजी सामने को वोट किसका? क्या किसको वोट डालेंगे? शेर को। ओ, क्यों? क्यों अच्छा लगता है? उन्होंने कितनी महंगाई कर दी है, अभी 2 हफ्ते नहीं हुए, कितनी महंगाई कर देती है, हर चीज उन्होंने बढ़ा देती है। चंगा बल्ले वाला आ गया। आप किसको डालें? ने महंगाई की थी, गरीब बंदा की करे है? बत्ती का बिलो बचा देता है, नांदे नलके का बिलो बधा देता है, हर चीज का बधाता है, तो सानू की फायदा है? आप किसको डालें? शेर। ठीक है ठीक है ठीक है। वोट किसको डालेंगे? वोट किसको डालेंगे? अपना अल्लाह की रहमत नाल शेर को डालेंगे। आप भी शेर को। ठीक है, आगे चलते हैं। अंदरून शहर की अपने रंग होते हैं, बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं। अच्छा मुझे बताएं मसाइल क्या है यहाँ के? बैठे 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 कोई बात आ जी। मसाइल क्या? हाँ। मसाइल इनके ये है कि यहाँ हर सेकंड आप उसको पूछेंगे कि आपके क्या प्रॉब्लम, हर आदमी, एवरीबॉडी विल रेडी टू एक्सप्लेन यू योर ओन प्रॉब्लम, नो बॉडी इज फीलिंग हैप्पी। अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से क्या इश्यूज हैं? हुकूमत क्या नहीं कर रही? विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट? प्रीवियस आर प्रेजेंट मेजोरिटी ऑफ द पीपल विद होपिंग टू द न्यू गवर्नमेंट एज वेल द न्यू गवर्नमेंट हैव गिवन अ कमिटमेंट टू द नेशनल पीपल सो वी विल डू समथिंग। माई प्रायोरिटीज वी आर कंसिडरिंग टू द रियलिटी, नॉट वी विल चीट टू द पीपल। आई विल डू ए बिग वन प्रोजेक्ट विद वेरी सून। नो नो, द प्रेजेंट गवर्नमेंट
he said my aim is to reality. We will give a preference to the reality. Reality को जो है वो face करेंगे नून लीग का ये कहना है तो आपका vote जो है वो नून लीग के लिए. Vote किसका? इमरान खान. Vote किसका? इमरान खान. नून लीग. अंकल vote किसका? शेर शेर. आपका vote किसका? हमारा vote ही नहीं इधर है हमारे स्वर्गों दे के रहने वाले. शेर. यहाँ के इलाके के लोग शेर से इतना प्यार करते हैं कि ये जो पोटरी की गई है मट्टी के बर्तन बनाए गए हैं इनमें एक शेर भी मुझे नजर आया जो काफी इंटरेस्टिंग था. ये आपने किसकी मोहब्बत में बनाया? हाँ जी ये सुभाष शरीफ ने जो नवाज शरीफ से मोहब्बत. अच्छा नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत है आपने इसलिए शेर बनाया. जी जी. और क्या बनाते हैं आप? तो बस शेर. बल्ला नहीं बनाते? नहीं बल्ला नहीं बनाते. शेर बल्ले से नहीं मोहब्बत? नहीं जी शेर से. शेर से मोहब्बत. चले बहुत शुक्रिया. ये आपका शेर. यहाँ पे भी कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं किसको वोट डाल रहे हैं. हाजी साहब किसको वोट डाल रहे हैं? शेर को. क्यों? वो हैं ही अच्छे. आप देख नहीं रहे सब कुछ. हाजी साहब मुझे इस इलाके के भाटी गेट के मसाइल बता दीजिए क्या हैं जो उंगलियों पे गिने जा सके. इंशाल्लाह यहाँ के कोई मिसाइल नहीं है. यहाँ पे काम वो कराते हैं वो लोग काम करना जानते हैं. ये सब मेरे से ज्यादा आपको पता है. आप लोग मीडिया के लोग हो ज्यादा फिरते हो. चले बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए. वोट किसका जनाब? पीटीआई. शेर. चले नाजीन ये थी अवामी राय और एन ए 124 से हमने आपको दिखाया अवाम क्या जानते हैं क्या समझते हैं वोट किसको देंगे. एग्जैक्ट पीछे ये भाटी गेट शुरू हो चुका है और यहाँ पे प्रोग्राम में मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है और अवामी राय आपने जानी है. अब सिलसिला शुरू करते हैं अवामी नुमाइंदगान से मिलने का. हम आपकी मुलाकात करवाएंगे शाहिद खाकान अब्बासी से और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे गुलाम मोहिउद्दीन दीवान से. कहीं मत जाइए हमारे साथ रहिए.